सत श्री अकाल जी, मेरा नाम डॉक्टर हरीश है और मैं निर्माण हस्पताल अमृतसर वालों असी अज इत्थे आज़ादी दिवस के मौके पर पवन ठाकुर जी की मेहनत सदका आम आदमी पार्टी वालों अज असी कैंप लगाया है जिद असी सारी बीमारियों के मरीजों असी देख रहे हाँ। इस कैंप में हूँ ताई असी 50-52 मरीज देख चुके हाँ। ये कैंप असी सवेरे 10 बजे तो लैके 2 बजे तक लगाया है। इस असी मरीजों का इलाज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हाँ, दवाइयाँ जो भी है असी मरीजों नूं फ्री ऑफ कॉस्ट ही दे रहे हाँ। असी इत्थे जो बेसिक जो टेस्ट असी शुगर दे या ब्लड दे असी जो टेस्ट कर रहे हाँ वो भी फ्री कर रहे हाँ। जो जाँचा असी मरीज नूं लिख रहे हाँ जिहड़ी कि इत्थे नहीं हो पा रही है वह भी असी हस्पताल विच मरीजों नूं अध रेट ते ही मुहैया करवा रहे हाँ। इस वेले असी 50 तों 52 तक के मरीज असी जो है वह देख चुके हाँ। एक कैंप सवेरे 10 बजे तो लैके 2 बजे तक का समा जो है रखा है। जी बिल्कुल, अज अपने अमृतसर शहर में देखने आया है कि डेंगू और चिकनगुनिया दोनों ही हर साल वांगू काफ़ी तादाद में मरीज जो है अपन हस्पताल देखने मिल रहे हैं। हस्पताल सारे ही शहर में इस तरह के मरीजों ना भरे हुए हैं। ये जरूरी यह हो जाता है कि असी लोग थोड़ा सजग रहीए। ये यह है कि आला दुआला साफ रखा जाए, उनू सुक्का रखा जाए, पानी नू ना खड़न दिता जाए, अजे मच्छर तो बचा जाए। इस तो ही मैनू लगता है कि सब तो वधिया जो है बचाव अते इलाज यही है। निर्माण हस्पताल जो कि है विजय नगर 5 नंबर गली अमृतसर विच है। तो असी इस हस्पताल विच काफ़ी वाजिब रेटा से अते वधिया तरीके नाल मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इंश्योरेंस भी है जी? बिल्कुल, साढ़े को आयुष्मान कार्ड अते जो प्राइवेट इंश्योरेंस है उस लगभग सारिया जो है असी लोगों सेवावां जो है मुहैया करवा रहे हैं। पवन ठाकुर, वार्ड नंबर 27 तो आम आदमी पार्टी के दफ्तर में अज निर्माण होस्पिटल की मदद नाल असी कैंप लगाया जिदे विच असी लोगों को हर तरह की बीमारियों का फ्री सुविधा दे रहे हैं, इलाज कर रहे। डॉक्टर साहब हरीश जी तो उन्होंने दवाइया भी फ्री दी जा रही, बीपी शुगर भी फ्री चैक किया जा रहा। तो असी एक खूनदान कैंप भी लगाया ताकि लोगों की सेवा भी की जा सके, तो जिद बढ़ चढ़ के हिस्सा लै रहे हैं तो खूनदान कर रहे हैं। तो चालू है ये कैंप सवेरे 10 बजे तो चालू होया तो 2 बजे तक चलेगा। तो वो तो जिन्हें लोगों का इलाज हो सकता या उन्होंने देखा जा सकता उन्होंने मदद की जाएगी। यूथ का बहुत सहयोग मिल रहा है खूनदान कैंप में, लोग जो जरा यूथ है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे है। तो असं यही मैसेज उन्होंने देना चाहते हैं कि नशे को छड़न ते लोगों की सेवा वाले पासे आन ते पंजाब नूं होर ज़्यादा मजबूत करन वाले पासे चलन। सर डेंगू काफ़ी बढ़ रहा है, सरकार वालों किहड़े कदम चुके? सरकार वालों देखो, मैं अपने वार्ड की गल करा या पूरे इस हल्के की गल करा, MLA मैडम जीवनजोत कौर जी की पूरी मदद नाल असी हफ्ते 2 बारी फोगिंग करा रहे हैं। 10 दिन तक, हफ्ते 10 दिन के एक बार आप स्प्रे करा रहे हैं, घर घर जाके करवा रहे हैं। तो जिनी स्प्रे या फोगिंग इस साल के पिछले साल च हुई है उस तो पहले कभी नहीं आप देखी इस इलाके। इस बार भी आप पूरी कोशिश करते पे हाँ कि फोगिंग तो स्प्रे करके आप डेंगू को वो तो रोकन तो वधन तो रोकी। हाँ जी, हर साल लगाया जाता कैंप, तो अभी कोशिश करा कैंप की साल च 2 बारी लगाइए ताकि लोगों को वो सहूलत मिल सकन। एक कैंप निर्माण होस्पिटल के सहयोग न लगा, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता निर्माण होस्पिटल के डॉक्टर हरीश जी का, डॉक्टर विशाल जी का, पूरे समूह उन्होंने टीम का कि उन्होंने कैंप लवाया तो लोगों की मदद की।